नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया है और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे VVI क्वेश्चन है और सारे के सारे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। दूसरा सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक, पूरा नाम है चैडविक का। तीसरा सवाल है, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। चौथा सवाल है, किसी तारे के रंग से पता चलता है तो उसके ताप का, यानी कि ऑप्शन सी, ताप। पांचवा सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश में कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। छठा सवाल है, सूर्य किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सात। सातवां सवाल है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। आठवां सवाल है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा का दिन। नौवां सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आणविक परावर्तन। दसवां सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। ग्यारहवां सवाल है, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा। बारहवां सवाल है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्ध्य से। तेरहवां सवाल है, पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। चौदहवां सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। पंद्रहवां सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। सोलहवां सवाल है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। सत्रहवां सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अठारहवां सवाल है, पास्कल किसका इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब का। उन्नीसवां सवाल है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। बीसवां सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। इक्कीसवां सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। बाईसवां सवाल है, ताप का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केल्विन। तेईसवां सवाल है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य। चौबीसवां सवाल है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाता है। 25वां सवाल है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री से कम। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर, उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।